ऑल एट गाइज आई नो आप सभी एक्साइटेड रहते हैं ऐसी वीडियोस के लिए जिसमें हम आपकी नॉलेज को एनहैंस करते हैं ताकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन तंग ना करें और आप बहुत कंफर्टेबल हो जाएं उस नॉलेज के साथ और उसको यूटिलाइज कर पाएं बिकॉज एट एंड ऑफ द डे हम भी वीडियोस इसीलिए बना रहे हैं ताकि आपका जो एग्जाम है वो क्लियर हो पाए और आप भी इसलिए देखने आते हैं ताकि आपको कोई वैल्यू एडिड मिले सो so ऐसा ही एक टॉपिक लेके आए हैं आज हम आपके लिए विच इज कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सो माय नेम इज अभिनव शर्मा तो आज बात करेंगे हम सरकार के सीए के बारे में अगर इन शॉर्ट आपको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को समझना हो तो वी कैन से सरकार का क्या है जी सी है अब सी का काम क्या होता है ऑडिट करना सिमिलरली कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी ऑडिट करता है लेकिन किसको ऑडिट करता है वो फिर आगे चर्चा करेंगे सारी वीडियो में सो बिफोर मूविंग फर्दर सो गाइज छोटा सा आपको ब्रीफ दे रहा हूंज बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट रिमेन्स मिस गाइडेड के एग्जाम को कैसे प्रिपेयर करना है कैसे नहीं करना है और हारके उनको ऐसा लगता है कि सिंस कोचिंग फीसेज इतनी ज्यादा है कि हम अफोर्ड नहीं कर पाते तो फिर वो खुद सेल्फ स्टडी के मोड में चला जाते हैं और लेकिन हर बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं कर पाता यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस सेल्फ स्टडी करना भी एक आर्ट है अगर आप सेल्फ स्टडी चूज भी करते हो देन देसो ये तभी कामयाब हो पाएगी अगर आपके पास गाइडेंस है बिना गाइडेंस के तो आपको पता ही नहीं एग्जाम की एबीसी भी नहीं पता तो आप कैसे करोगे सो आई एम नॉट सेइंग से गो फॉर द कोचिंग वैसे तो हमने कॉस्ट ही इतनी अफोर्डेबल बना दी है कि एंड दैट टू इसमें भी वी ऑफर यू इंस्टॉलमेंट सो इट बिकम्स इजी फॉर द स्टूडेंट्स के वो इतने पैसे खर्च पाए और उनकी कोई ज्यादा बहुत हैवी टॉल ना आए उनके पॉकेट्स के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू अगर वो करियर बनाना चाह रहे हैं सिविल सर्विस में एनीवे anyway, अगर फिर भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो मेरी आपके लिए एक ये सincere एडवाइस रहेगी कि आप गाइडेंस जरूर सीख लीजिएगा इस कि कैसे तैयारी की जाती है कैसे नहीं तैयारी की जा, जाती है कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं और ये गाइडेंस आपको फ्री में ऑनलाइन भी मिल जाती है काफी टॉपर्स अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं आपको बुक सेट बता देंगे हमारी वेबसाइट पर भी जाके आपको बुक सेट मिल सकता है नीचे लिंक दिया होगा उसको क्लिक करोगे तो यू विल गेट एक्सेस टू दैट उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं कैसे सॉल्व करने नोट्स में क्यों इतनी सारी चीजें आती हैं ना अगर आप एक बार प्लंच

पहले मुझे आपको यह बताना है कि कंट्रोल एंड ऑल्टर जनरल की जब हम बात करते हैं तो एक्चुअली में कैग है क्या सो so पहले मैं बात करूंगा कि कैग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नाउ व्हाट डू आई मीन से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो गाइस कुछ बॉडीज होती है कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई होती है जिनका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया होता है जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें या जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें या फिर कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल की हम बात करें या फाइनेंस कमीशन एंड एंड एक्सेट्रा तो ये जो लिस्ट है विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपको लक्ष्मीकांत के इंडेक्स में ही मिल जाएगी मैं हमेशा अपनी क्लासेस में भी बच्चों को इंसिस्ट करता हूं कि बच्चों

चाहे ओरिजिनली दिया हो या फिर अमेंडमेंट के साथ तब वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कहलाती है सो कंट्रोल इंडिपेंडेंट अथॉरिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कौन है जी हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड चीफ गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स अब बड़ी छोटी सी बात है सरकार को कितने टैक्सेस जाते हैं डायरेक्ट टैक्सेस भी जाते हैं इनकम टैक्स के फॉर्म में इनडायरेक्ट टैक्सेस भी जाते हैं लार्जली जीएसटी की फॉर्म में तो ये सारे पैसे गवर्नमेंट के कौन से खाते में जाते हैं तो अगर मैं एक अकाउंट की बात करूं तो आई वुड से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में सारे पैसे जाते हैं जैसे आपका सेविंग्स अकाउंट होता है जिसमें आप अपना खर्चा करते हो सिमिलरली सरकार के पास भी एक खाता है जिसको बोलते हैं उसके सारे पैसे हैं जो कहां से आते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस से आते हैं चाहे इनकम टैक्स हो चाहे गुड्स एंड सर्विस टैक्स सो जब हमने बात की के सरकार के पैसे आ रहे हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में अब उसके बाद वहाँ से सारे खर्चे किए जाते हैं बजट बनाए जाते हैं कि एजुकेशन पे इतना जाएगा हेल्थ पे इतना जाएगा रोड्स पे इतना जाएगा डिफेंस में इतना जाएगा लॉ में इतना जाएगा रूरल सेक्टर में इतना जाएगा एक्सेट्रास तो ये सारे खर्चे हुए कि नहीं हुए ठीक हुए जितने करने चाहिए थे उतने ही हुए कोई इधर उधर गबन तो नहीं हुआ कोई हेराफेरी तो नहीं पैसों की वो सारा कौन देखता है कैग देखता है अगर आपको याद हो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के टाइम पर जब हम बात करते हैं उनके सेकेंड टेन्योर की उस समय बहुत सारे स्कैम बाहर थे जैसे टू जी स्कैम बाहर आया था कोल ब्लॉक स्कैम बाहर आया था सो तो ये सब तब पॉसिबल हो पाया था अगर कैग वहां पर बहुत ज्यादा वाइब्रेंट हो गया था एक्टिव हो गया था सो so, कैक का काम है जी ये देखना कि पैसे सही तरीके से यूटिलाइज किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं ओके सो आर्टिकल 148 फोर्टी एट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूट प्रोवाइडेड फॉर द स्टेब्लिशमेंट ऑफ कंट्रोल एंड ऑर्डर ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है कैक को कौन अपॉइंट करता है कैक कितनी एज होती है कितनी देर की टेन्योर होती है क्या इसका काम है क्या क्या करता है ये ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से जो अभी हम देखते जाएंगे रिगार्डिंग द कैक किया जी आर्टिकल 148 फोर्टी एट विच ब्रॉडली डील्स विद अपॉइंटमेंट इनकी ओथ एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस देन आर्टिकल वन फोर्टी नाइन ड्यूटीज एंड पावर्स की बात करता है और ये जितने भी आर्टिकल्स दिए हैं छोटे आप सब याद करिए बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट कैग के परस्पेक्टिव से बिकॉज कैग इज अंस्टिट्यूशन बॉडी अब आर्टिकल 279 सेवन नाइन क्या बोल रहे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड इजन एंड सर्टिफाइड बाय द बाई एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हुज सर्टिफिकेट इज फाइनल अगेन ये छोटी छोटी चीजें होती हैं बट दे आर इंपॉर्टेंट सो बात करेंगे पावर्स ऑफ कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की गायस अब पावर्स ऑफ कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल की हम बात कर रहे हैं इसके बारे में डिटेल्ड अगर वर्जन देखना आपको तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके ब्लॉग्स चेक कर सकते हैं जहां पर आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और धीरे धीरे आप इसको क्या कर सकते हैं पढ़ भी सकते हैं चलिए बात करते हैं एग्जाम के परपेक्टिव से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है सो so, कैक को अपॉइंट किया जाता है बाय द ऑफ ऑफ इंडिया इंडिया इसको अपॉइंट करेंगे लेकिन रिमूव नहीं करेंगे क्यों क्योंकि अगर रिमूवल भी प्रेजिडेंट के हाथ में होगा तो ये तो एक तरह से फेवर में हो गया गवर्नमेंट के तो गवर्नमेंट कहेगी कैक होगी अगर तू हमारे फेवर में काम कर रहा है तो ठीक है अगर तू हमारे फेवर में काम नहीं कर रहा तो प्रेसिडेंट को बोलेंगे वो तेरे को रिमूव कर देगा सो देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन दी गई है कि इसको रिमूव किया जाएगा द मैनर जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज को और हाईकोर्ट के जज को और कैक को भी उसी तरीके रिमूव किया जाता है इन द पार्लियामेंट सो द पर्सन अपॉइंटेड टू दिस ऑफिस शुड टेक ऑफ ऑफिस बिफोर दो अपॉइंट भी कॉन कर, कर रहा है प्रेजिडेंट ओथ भी कॉन ग्रैंड करवा रहा है प्रेजिडेंट अब रिमूव प्रेसिडेंट नहीं कर रहा है रिमूव इसको किया जा रहा है ऑन द ग्राउंड जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है अब सैलरी सर्विस कंडीशन लीव्स ऑफ एब्सेंस पेंशन एज ऑफ रिटायरमेंट ये सभी डिटरमाइन कैसे किया जाता है बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एनी वे द कैग इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी फर्दर ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट सी अगर आप चाहते हो कि इसकी इंडिपेंडेंस एंश्योर करवाई जाए तो यू विल ऑलवेज फील लाइक के यार कैग की जो अपॉइंटमेंट है फर्दर बैन कर देनी चाहिए मतलब अगर सपोज कीजिए प्रधानमंत्री मोदी क्या को बोलते हैं कि यार ठीक है मेरी पार्टी ने ये घोटाला किया लेटेस्ट से स्पेक्ट्रम में किसी में घोटाला किया तो या किसी टेंडर्स में घोटाला किया तो इसको रिवील मत कर तो मैं क्या करूंगा तेरे को गवर्नर लगा दूंगा कहीं ना कहीं का या मैं तेरे को कोई और पोस्ट दे दूंगा सो तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड नहीं है अगर ऐसा हो पाता तो फिर तो उसने फेवर दे देना था और उसने कहना था ओके जी मैंने आपको फेवर किया मुझे वहां लगा दो तो क्या न्याय कहां हुआ जस्टिस कहाँ आया गवर्नेंस अच्छी हाँ so, so, तो कॉन्स्टिट्यूशन में थी कि दूसरा होता है नॉन चार्ज एक्सपेंडिचर अब चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है चार्ज एक्सपेंडिचर वो होता है जिसपे वोटिंग नहीं होती है Usually, जब बजट इंट्रोड्यूस किया जाता है तो बजट के ऊपर क्या की जाती है वोटिंग की जाती है कि पैसे निकालने देने या नहीं देने तो ये जो एक्सपेंडिचर चार्ज मतलब वोटिंग नहीं होती है ऑटोमेटिकली डेबिट कर दिया जाता है कंसोलिडेटेड फंड को इनकी सैलरी पे करने के लिए ताकि कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर ना आए इन बॉडीज के ऊपर वर्किंग में सो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे ये चार्ज है सो कंट्रोल जनरल की जो सैलरी है इट इज अ चार्ज एक्सपेंडिचर सो so, जो इनक्यूबेंट है मतलब जो होल्ड करो ऑफिस को उसको अपॉइंट so, so, कि प्रेड़ किया जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ सिक्स इयर्स या फिर जब तक वो सिक्सटी फाइव का ना होता है सो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है सो ये सारी स्लाइड आपके एग्जाम परपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि इसको प्रेजिडेंट अपॉइंट करता है छह साल के लिए अपॉइंट करता है या ऑफ एज के लिए अपॉइंट करता है भी वही ग्रैंड करवाता है लेकिन ये रिमूव किया जाता है ऑन द ग्राउंड जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है और फर्दर अपॉइंटमेंट्स के लिए एलिजिबल नहीं है सो आई होप इट इज इस मच क्लियर हेर अब देखते हैं क का रोल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में क्या बट बिफोर दैट आपको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को समझना पड़ेगा उसको समझने के लिए मुझे आपको पार्लियामेंट्री कमेटी समझाना पड़ेगा Guys, अब आपको क्या लगता है जो आप एमपीएस चूज करके भेजते हो ये क्या बहुत इंटेलिजेंट होते हैं या फिर इतना काम कर लेंगे कि सारे लॉज खुद ब खुद बनाएंगे नो no. फर्दर मोर के पास इतना टाइम भी नहीं होता क्योंकि अपनी कॉन्स्टिटुएंसी में लोगों को भी मिलना होता है उनकी समस्याएं भी हल करानी होती है या फिर जुमला क्रिएट करना होता है कि हम यहाँ हैं आपके लिए आपको सुनने के लिए करें चाहे ना करें वो बात की बात है बट एनी टाइम तो लगता ना इन चीजों में इसीलिए पार्लियामेंट ने क्या कहा कि भाई पार्लियामेंट आपको असिस्ट किया जाएगा थ्रू पार्लियामेंट्री कमेटीज मतलब ये जो कमेटीज है ये क्या करती है फर्दर हेल्प करती है एग्जामिन करती हैं रिपोर्ट्स को या बिल्स को दे ट्राई टू कीप एन आए कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा नंबर वन नंबर टू सारा कुछ सही तरीके से हो रहा है एंड देन उसके अलावा कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको हाईलाइट किया जाता है और उसको ठीक करने के लिए मेजर्स भी दिए जाते हैं दैट इज वॉट इज पार्लियामेंट्री कमेटी सो पार्लियामेंट्री कमेटीज कितने तरह की होती हैं पार्लियामेंट्री कमेटीज़ जो होती हैं वो बेसिकली दो तरह की होती है एक होती है स्टैंडिंग कमेटी दूसरी होती है डॉक कमेटी जब हम बात करते हैं स्टैंडिंग कमेटी के बारे में बहुत ध्यान से सुनना पेन पेपर लेके बैठ जाओ चाहे फटाफट ग्राफ बनाई जाए अगर आपको अच्छे से बता जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो कैसे पढ़ते हैं सो so, जब हम स्टैंडिंग कमिटीज की बात करते हैं और एक की एकज का पर्पस होता है वो आई और गई स्टैंडिंग कमिटीज होती है ना परमानेंट कमिटीज अब स्टैंडिंग कमेटी में फर्दर भी है फाइनेंशियल कमिटीज तो फाइनेंशियल कमिटीज की जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल कमिटीज भी तीन तरह की होती है तीन तरह की कैसे एस्टिमेट कमेटी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग एंड देन लास्ट वन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अब इस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का कोई ना कोई रिश्ता है किसके साथ क्या के साथ क्या रिश्ता है

जो कि एक पार्लियामेंट्री कमिटी के अंडर आती है ठीक है जी सो सी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एग्जामिन करती है रिपोर्ट ऑफ द कैग इंश्योर करती है चेक्स एंड बैलेंस अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करवाना कैग इज अ गाइड टू पब्लिक अकाउंट्स कमेटी फिलोसोफर गाइड फ्रेंड देखिए तीनों वर्ड्स हैं ये तीनों की हैं करेक्टिव एक्शंस भी रिकमेंड करती है एंड इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो जब हम करेंगे कमेटी से तब देखेंगे वैसे आपको पता होना चाहिए कितने मेंबर्स हैं कहां से आते हैं सबसे ज्यादा मेंबर्स कौन सी कमेटी के पास हैं एंड कहां कितने राज्यसभा से आ रहे हैं कितने लोकसभा से आ रहे हैं तो ये सब चीजें आपके प्रम्स परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछी गई हैं और ये जो कमेटीज का मुद्दा है या फिर टॉपिक है ये तो मेंस परस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और बताओ क्या चाहिए आपको सो एक छोटा सा टॉपिक प्रलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट और स्टैटिक में गिना जाता है एक बार प्रिपेयर करोगे दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी प्रोवाइडेड आपने मेरे से यह तैयारी की हो ओके चलते हैं जी आगे Interpreted and translator a listing of the urgent matters. Public Account Committee examines public expenditure. Public expenditure is not only examined from legal and formal point of view to discover technical irregularities, but also from the point of view of economy, prudence, wisdom, propriety. So ये काम है Public Accounts Committee का. So इसी के साथ आज का जो lecture है वो खत्म होता है. और topics आपके लिए लेके आएंगे. तब till then बने रहिए हमारे blogs check करते रहिए और हमारे YouTube channel launch पर आइए इसको subscribe कीजिए. Good luck.